हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज डॉलर भी बहुत हैप्पी है क्योंकि मेरे हाथ में कुछ चीज़ें देख रही है जो कि डॉलर देख के एक्साइटेड हो रही है। उसी का सब चीज़ें हैं, उसको मैं सरप्राइज देने वाली हूँ। आज शाम को थोड़ी सी बाहर निकली थी तो उसी बाहर से कुछ चीज़ें लेके आई हूँ। उसमें से एक चीज़ डॉलर का फेवरेट है, मुझे पता है, एक नहीं दो दो चीज़ें, तो वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और हाँ, आज की वीडियो में आप लोगों का एक मोस्ट जो कॉमन क्वेश्चन थे कि दी आप प्रेग्नेंट हो, कितना मंथ चल रही है, कितने मंथ हो गई है, तो ये काफ़ी कॉमन एक क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से मुझे आ रही है। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ ये पर्टिकुलर वीडियो पर मैं शेयर करती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा मतलब प्रेगनेंसी का कितना मंथ चल रही है या फिर मेरा बेबी अभी कितने मंथ की है। सो यही मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे, जो भी मामा मौसी बहन दीदी जो भी आप लोग बनने वाले हो, आई नो आप लोग भी एक्साइटेड हो कि और कितने दिनों के बाद बेबी को हम हाथ में लेंगे। तो आज वही मैं बताऊँगी। सो गाइज, अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे की अपडेट जानने के लिए। तो फिलहाल जो मैं बोलूंगी, अभी मच्छर काट रही है मुझे, तो फिलहाल मुझे अभी जो बोलनी है आप लोगों को, देखिए सोशल मीडिया पे ये सब कुछ चीज़ें शेयर करना कोई आसान बात नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं बहुत ही मतलब ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद करते, अच्छा चाहते हैं। और काफ़ी ऐसे भी लोग होते हैं जो कि 1% 2% ऐसे भी लोग होंगे। मिट्टू भी बोल रही है, ठीक ठीक मिट्टू भी बोल रही है, हाँ बिल्कुल ठीक। ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अच्छा आपका नहीं देख सकते या फिर आपकी बुराई चाहते हो, तो इसलिए डायरेक्ट मंथ बताना उससे अच्छा है मैं दूसरे तरीके से आप लोगों को समझा देती हूँ। डायरेक्ट मुंह से बताना, बेबी होने के बाद भी ना बहुत कोई फेस रिवील नहीं करती है। कुछ दिन जाने के बाद ऐसे रिचुअल्स होते हैं ना, बड़ों की बातें माननी पड़ती है, तो सब कुछ मान के ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं डायरेक्ट मंथ नहीं बोलूँगी बट मैं आप लोगों को समझा दूँगी। देखिए ट्राइमेस्टर, जैसे कि आप लोगों को पता होंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर होती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती है फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आती है, बाबू चुप, वीडियो बना रहे हैं ना, इधर पे बगल वाले फ्लैट की बेबी है ना, तो वही मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसको सिखा दी थी भी वीडियो होंगे, हाँ बिल्कुल चुप रहना। तो इतना देर कंट्रोल में थे बट अभी डॉलर को बात करिए डॉलर के साथ। बाय द वे गाइस, सेकंड ट्राइमेस्टर में फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स मंथ आती है और थर्ड ट्राइमेस्टर में सेवन मंथ, एट मंथ एंड नाइन मंथ आती है। तो आई होप मैंने क्लियर बता दिया है फर्स्ट मंथ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर क्या होती है और थर्ड ट्राइमेस्टर क्या होती है। और ऑलरेडी जो मॉम बन चुके हैं उनको तो पता ही होंगे। तो अभी मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर भगवान के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और अभी मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में हूँ और सेकेंड ट्राइमेस्टर में फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ एंड सिक्स मंथ होती है। तो ये आप लोग गेस कर लीजिए अभी मैं इन तीनों मंथ में से किसी एक मंथ पे अभी हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं फोर्थ मंथ पे हूँ, नहीं तो मैं फाइव मंथ पे हूँ, नहीं तो मैं सिक्स मंथ पे हूँ, ठीक है। ये आप लोग समझ लीजिए, डायरेक्ट में बोल नहीं सकती हूँ इतना, तो आप लोग मतलब एक दो महीने इधर उधर आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। आप लोग ही कमेंट करना कितना मंथ हो सकती है। तो ये था मेरा कितना मंथ अभी चल रही है और फिलहाल यही चीज़। और सेकेंडली डॉलर के लिए जो चीज़ें मैं लाई हूँ ना, वो एक्साइटेड हो रही है देखने के लिए, तो वो मैं सबसे पहले उसको दिखा देती हूँ। ये डॉलर के गाने उठाते पड़वे पड़वे, वन सेकेंड ना, डॉलर को मैं इधर पे ले लेती हूँ, नहीं तो मैं झुकना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। वन सेकेंड, टेंडर एग्स आ गई हमारा डॉलर बेबी। देखो इधर पे डर रही है, खिड़की पे है ना, तो उसको लग रही है गिर ना जाओ। तो सबसे पहले तो डॉलर का जो लीवर टॉनिक है ना, मेरे पीछे क्यों छुपे हुए हो? तो इधर पे लीवर टॉनिक है और डॉलर देखिए इसको समझ में आ रही है। तो ये लीफ 52 हिमालय की है, ठीक है। तो ये वाला उसका लीवर टॉनिक है, दवाई है जो कि उसको अभी देना होगा डीवर्मिंग से पहले। और सबसे उसका फेवरेट चीज, डॉलर, डॉलर कहाँ गए?
अभी नहीं दूंगी, खिड़की पे हो आप, नीचे चलोगे फिर दूंगी, ठीक है ठीक है, देंगे तो देंगे। मुंह पे भी ले लिए, देखिए अभी नहीं। और थर्ड जो चीज है वो है उसका फेवरेट, अभी मुझे पता नहीं उसको बॉल चाहिए होगा या फिर चॉकलेट, क्योंकि दोनों ही उसका फेवरेट है। और ये रही मिट्ठू का खाना, क्योंकि विंटर है ना, तो विंटर पे ना मिक्स सीड्स बहुत अच्छे से, मतलब प्रॉपर डाइट में देना चाहिए। तो इधर पे पूरा प्रॉपर लौकी का बीज है, सनफ्लावर सीड है, कंगनी है, धान है, बादाम है, और इसमें वाइट वाइट कलर के कुसुम दाने हैं। तो ये सब मिला जुला के ना ये मिक्स सीड्स है, ये थोड़े थोड़े करके, मतलब 2 चम्मच 3 चम्मच ऐसे करके देना बहुत ज़रूरी होती है। तो ये रही मिट्ठू के लिए। और डॉलर का मेन चीज़ जो कि है बोन एंड बाइ, तो डॉग के लिए ऑल नेचुरल डॉग ट्रीट्स, ठीक है। इसमें सिंगल सोर्स ऑफ प्रोटीन, डॉग का एंजॉयमेंट के लिए है, लॉन्ग लास्टिंग, फुल्ली डाइजेस्टेबल, ओके। और इसका प्राइस मैं बता देती हूँ, ये लिया है 120 का, ठीक है। इसमें कितना स्टिक्स होती है, इधर पे तो मेंशन दिख नहीं रही है मुझे, रुको, डॉलर ये आपको मिलेगा। और देखो नेमेगा लोगो, ये देखिए अभी नीचे से मांग रही है, वो ऊपर ना कंफर्टेबल नहीं थे, आउच। ठीक है मैं कैमरा थोड़ा नीचे कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। देखिए ये कौन खाएगा, देखिए ये देखिए दे। वो स्टिक लेके चला गया, अभी इसको बैठ के वो एंजॉय करने वाली है। तो एक स्टिक आई थिंक एक दिन तो चला ही लेंगे, एक दिन बाद बाद में दे दूंगी, डेली देना सही नहीं होंगे, क्योंकि ट्रीट हो जो भी हो इसके हेल्थ के लिए, प्रॉपर जो घर का नेचुरल खाना होती है ना, जैसे चावल रोटी वही सब अच्छा होती है, बॉयल खाना, ये सब प्रिजर्वेटिव होती है, क्या होती है पता नहीं, ये सब जैसे चॉकलेट बच्चों को ज़्यादा नहीं देना चाहिए, वैसे ट्रीट्स वगैरह थोड़ी बहुत ठीक है लेकिन ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ये भी मेरा बाबू ही है, बच्चा है, तो इसको भी सेम मुझे ध्यान तो रखना ही होगा, ज़्यादा देने से तो फ़ायदा नहीं है। ऑली 52 ये वाला डिवर्मिंग से पहले एक हफ्ता कंटिन्यू हम खिलाते हैं, फिर डिवर्मिंग के बाद से फिर एक हफ्ता दो हफ्ता जाने के बाद ही कंटिन्यू भी खिला सकते हैं, बट हमारे जो मतलब डॉक्टर सजेस्ट किए हैं डिवर्मिंग से पहले कंटिन्यू एक हफ्ता खिलाने के बाद डिवर्मिंग करवाने के लिए। देखिए डॉलर भाग गया उसका ट्रीट लेके, उसको अभी शांति जगह पे बैठ के ये ट्रीट इंजॉय करनी है, ठीक है। तभी उसको मैं बॉल भी दूंगी, देखूंगी ट्रीट चाहिए या फिर बॉल, आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी, ठीक है चलिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझसे जुड़े रहना चाहते हो, मेरी वीडियोस और भी आगे चल के देखना चाहते हो, तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बाबू आप रोटी ख़त्म नहीं की अभी तक, रोटी खाओ, हाय करो तुम्हें, हाय तुम हाय कर दो, आएगा हाय कर दो, हाय ओ कौरे, खा लो खा लो। तो चलिए गाइस अब मैं डॉलर को दिखाती हूँ, उसका बदमाशी दिखाती हूँ, वन सेकेंड। डॉलर का नया बॉल, देखी देखी बॉलटा, देखी दाओ अमा के, दाओ दाओ दे दो बॉल दो, नया बॉल मिल गई है डॉलर को, है ए ए ए ए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, अरे बॉल मतलब सुसु कर दिया डॉलर। आज ना पूरी तरीके से पागल हो गई है, फर्स्ट तो उसको ट्रीट मिली है, इधर पे मेरे हाथ पे है बॉल, तो मैं देखूंगी दोनों में से कौन सा चूज करेंगे। देखिए कंफ्यूजन में है, देखिए स्टॉप हो गया, उसको ज़्यादा ट्रीट पसंद आई है क्या, बॉल दो डॉलर बॉल दो। वैसे तो मैं बॉल मांगती हूँ तो कहीं से भी ढूंढ के लाती है, बट अभी उसको स्टिक मिली है ना तो उसी को लेके अभी देखिए, है बॉल दाओ बॉल दाओ 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 बॉल दाओ बॉल दाओ खेल बॉल दाओ 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 दाओ। देखिए कंफ्यूजन में है कि कौन सा लेके खेलेंगे, दो तरफ दो चीज़ें और वो बॉल दा बॉल 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 डॉलर बॉल बॉल देवे ना तो। और मिट्ठू देखिए ठंड पे उधर पे पूरा कवर की हुआ, कौन आया
कौन आया डॉलर?